हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम कुछ मैथ के क्वेश्चन करेंगे टैलेंट टैक्स और सिमिलर एग्जाम के लिए, क्लास 8th के लिए। ठीक है, क्लास 8th वालों की डिमांड आ रही थी कि हमारे लिए भी कुछ बनाओ। तो है ये क्लास 8th के लिए, लेकिन क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और एक बार 9th और 10th वाले भी इनको अपने आप से सॉल्व करके देखना कितने आप सॉल्व कर पाए। और एक बात इंपॉर्टेंट और एक बता देता हूँ कि ये टैलेंट टैक्स और सिमिलर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा के ले आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक सीरीज दी हुई है, 1/1 × 3, 1+1/3 × 5, +1/5 × 7 एंड सो ऑन अप टू 1/19 × 20। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने देख लिया तो इसमें क्लियर कट आपको ये समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही कि एग्जामिनर आपसे ये तो चाह नहीं रहा कि इन सबको मल्टीप्लाई करो उसके बाद सॉल्व करो। वो आपकी मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन के बाद एडिशन करने वाली तो कैपेबिलिटी चेक नहीं करना चाह रहा है यहाँ पे। फिर वो क्या चेक करना चाह रहा है, वो ये चेक करना चाह रहा है कि आप इस सीरीज को पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे। पहचानना कैसे है, जब भी आपको इस तरह की कोई सीरीज दिखे, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर का और एडिशन हो रहा है, तो हमेशा देखो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अभी अगर हम यहां पर बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। इनका डिफरेंस क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है। तो आप सारे देखते जाओ लास्ट तक, सबका डिफरेंस दो मिल रहा है। तो ये दो हमें ऊपर बना देना है। अब ऊपर दो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूं और दो से मल्टीप्लाई कर लूं और दो से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/1 × 3 +2/3 × 5 +2/5 × 7 और प्लस में 2/7 × 9 एंड सो ऑन प्लस में 2/19 × 21। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, दो से बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर सारी टर्म्स को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू रही सेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर लिख देनी है। कैसे, यही इस सवाल का ट्रिक है, यही इस सवाल की सोल है। इसको आप लिख सकते हो 3 − 1/2 लिख सकते हो, ओ सॉरी, 3 − 1/1 × 3, 1 × 3। 2 को मैंने 3 − 1 लिख दिया, 3 − 1 नीचे ये जो टर्म थी, प्लस इस वाले 2 को मैंने लिखा 5 − 3/3 × 5, प्लस इस वाले 2 को मैंने लिखा 7 − 5/5 × 7, प्लस इसको लिखा मैंने 9 − 7/7 × 9। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, 21 − 19 और अपॉन में 19 × 21। ऐसा मैंने क्यों किया ये अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 1/2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 3 − 1 है, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। इसे आप लिख सकते हो 3 × 1 × 3, 3/1 × 3 −1/1 × 3। ठीक है, प्लस 5/3 × 5 माइनस, इसको खोला, 3/3 × 5 प्लस 7/5 × 7 −5/5 × 7 और प्लस एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, 21/19 × 21 और −19/19 × 21। ठीक है, तो अभी तक आप में से काफी लोग समझ गए होंगे कि अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ गया 1, ये क्या आ गया, −1/3। ये ध्यान से देखो, यहाँ से 5 गया तो ये हो गया +1/3। अब सारी टर्म आपको ऐसे मिलेंगी जो कटेंगी, यहाँ से 3 गया −1/5, ये प्लस का साइन आया, यहाँ से 7 गया +1/5, यहाँ से माइनस का साइन आया, ये गया −1/7 प्लस। तो आप समझ जाओ अगले टर्म क्या है, 1/7 आएगी प्लस का एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आया, प्लस की टर्म कौन सी आई, 21/19 × 21 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1/19 आ गई, −19 है यहाँ पे, 19 से 19 गया, −1/21। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले इसका पैटर्न नोट कर लो, क्योंकि बीच के टर्म हमें पता नहीं है। माइनस वाला टर्म आ रहा है पहले, प्लस वाला आ रहा है, माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जा रहा है, यहां माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस वाला आ रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, ये माइनस का आ रहा है, इसके आगे प्लस का 1/7 आया होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1/19 आया है, इसके पहले माइनस का 1/19 आ रहा होगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
यहां माइनस का 1/21 है, इसके बाद कोई टर्म ही नहीं है, तो 1/21 लास्ट बचा। ये क्या बचा, 1/2 अप इंटू 1 माइनस 1/21। ठीक है, तो ये जो हमारी इतनी बड़ी हमको ये कहानी दी गई थी ये वाली, ये आके इसमें रह गई कि आपको ये सॉल्व करना है। अब ये तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो 21 इधर गया, 21 वन 21 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 1/2 इंटू 21 में से 1 गया 20/21। ठीक है, ये 2 से यहाँ पर 10 आ गया। आंसर क्या आ गया इसका, 10/21। कहीं पे दिख रहा है 10/21? 10/21 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो ये सीरीज वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मिल ही जाते हैं। टेली टेक्स में एक आधा आपको सवाल जरूर टकरा जाएगा किसी ना किसी क्लास में, और मुझे लगता है 7th, 8th और 9th में से तीनों क्लास में, 3 क्लास में 2 क्लास में तो ये सवाल, ऐसा सवाल मिलना चाहिए। ये सवाल तो नहीं, ऐसा सवाल मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये फिटजी में आया हुआ क्वेश्चन है, FTRA या बिग बैंग एच टेस्ट किसी एक का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच देन √x + 1/√x। अब देखो इस सब ऐसे सवाल को देखते ना बच्चा डर जाता है। डरता क्यों, बोलता रहे यार ये अंडर रूट निकालना है और ये कहानी लिखी हुई है, इसका अंडर रूट लूंगा मैं तो इसको सॉल्व ही करता जाऊंगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है ना, आपको ये सवाल यहीं से उठाना है जहां से दिया गया है। आपको एक्स ये दिया हुआ और यहाँ पे अंडर रूट एक्स निकाल रहा है, तो सिंपल सी बात ये समझ लो किसी ना किसी तरह ना ये चीज एक्स की ये वैल्यू किसी चीज का स्क्वायर बनने वाली है। बस अगर आपने इसको किसी चीज का स्क्वायर बनाने में दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एक्स को स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है, एक्स इज इक्वल्स टू 7 - 4√3 लिखा है, तो आप ये समझो कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां पे ऐसी कोई टर्म बन सकती है क्या, 7 में से कोई टर्म निकल सकती है जो किसी का स्क्वायर हो, इसमें से एक टर्म निकल सकती है 4, वो किसका स्क्वायर होगी, 2 का स्क्वायर होगी, और तो कोई इसमें से ऐसी टर्म नहीं निकल सकती। 5 निकाल के देख लो, 6 निकाल के देख लो, 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 3, 2 ये सब किसी का स्क्वायर नहीं बनेंगे, इसमें से एक ही टर्म आ रही है 4, तो काम इजी हो गया। तो 7 को मैंने लिख दिया 4 + 3, और ये जो लिखा हुआ है ये 4√3 ही लिखा हुआ है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 को तो आप लिख दो 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4√3 को मैं लिख रहा हूँ -2 × 2√3, और इस +3 को मैं लिख रहा हूँ √3 का स्क्वायर। अब यार ये क्या कहानी कुछ आपको दिख रही है, ये 2 का स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर, -2 × 2√3। अब आप याद करो a - b का स्क्वायर वो क्या होता है, a² - 2ab - b² ऐसा कुछ दिख रहा है ये, a² - 2ab + b, ये +b² सॉरी माइनस नहीं +b² स्क्वायर होगा तो -b प्लस हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 - √3 और इसका होल स्क्वायर। मुझे चाहिए √x, दिस इंप्लाइज √x इज इक्वल्स टू 2 - √3, यानी √x की वैल्यू आ गई 2 - √3। ठीक है, दोनों का अंडर रूट ले लिया। किसी बच्चे को यहाँ पे ये डाउट ना हो कि सर x इज इक्वल्स टू 2 - √3 का स्क्वायर था, तो √x इज इक्वल्स टू ±2 - √3 आना चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई आप सोच रहे हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। कब आता है वो, अगर आपको कभी दिया जाए x² = 2 - √3 का स्क्वायर, अगर इधर पे स्क्वायर होगा तो, अगर अंडर रूट लोगे तो यहाँ x की दो वैल्यू आएंगी कि +2 - √3 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे केवल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं है और केवल अंडर रूट ले रहे हो तो एक ही वैल्यू आएगी प्लस की, जो कि ये है। ठीक है, तो इस पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझो ये प्लस की वैल्यू आएगी। अब जिस दिन ये प्लस की वैल्यू आ गई, यहां पे आप रख लो √x यानी कि 2 - √3 प्लस 1 / √x, या इसको क्या करें ना, इसको पहले से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं कि ये √x + 1/√x ये किसके इक्वल होगा। देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो √x और √x क्या हो गया, x हो गया, प्लस
प्लस क्या आ जाएगा वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू तो ये सीधी रखी हुई है यहाँ पे, सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, प्लस में आपके पास आ गया वन, ठीक है। नीचे अंडर रूट एक्स आ गया, यानी कि क्या आ गया टू माइनस अंडर रूट थ्री, तो यहाँ पे आ गया सेवन माइनस फोर रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है। मैंने पहले x में ही क्यों इसको ऑपरेट कर लिया, क्योंकि अननेसेसरी मैं इसको लेके आऊंगा, कैलकुलेशन मुश्किल लगेगी, तो यहाँ पे x प्लस वन आ गया, अंडर रूट x आ गया अपने आप ही। अब देखते हैं ध्यान से यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो आ गया सेवन प्लस वन एट माइनस फोर अंडर रूट थ्री, और अपॉन आ गया टू माइनस अंडर रूट थ्री। तो अब इसको देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, मैं जैसे पहले बताया था लाइट जलनी चाहिए एकदम दिमाग में, तो लाइट जली क्या, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पे आपका फोर बाहर आ रहा है, और फोर जैसे ही बाहर आएगा ये होगा टू माइनस अंडर रूट थ्री, और आपकी लाइफ इतनी आसान बन गई कि नीचे टू माइनस अंडर रूट थ्री इजीली लिखा हुआ, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ऑप्शन क्या आ गया, आंसर आ गया फोर, ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आपको ऑप्शन देख के भी ये समझ जाना चाहिए कि इसमें जो रूट थ्री वाली कहानी है वो सारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसको 10-15 सेकंड पढ़ लो, समझ लो, जैसे यहाँ अंडर रूट एक्स लिखा हुआ तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसी ना किसी चीज का अंडर रूट बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो मेजर हर्डल थी वो यही थी कि आप इस एक्स को यहां तक ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो, अगर आप यहां तक ले आए तो आपका काम हो गया, अदरवाइज फिर आप इस क्वेश्चन से डर के आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है एक्स इज इक्वल्स टू सेवन माइनस फोर अंडर रूट थ्री, फाइंड अंडर रूट एक्स, और हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको एक बार करके देख लो, अगर तो आपने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हो तो ये मत सोचो यार एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को करके देख लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत बचेगा, प्लस इस क्वेश्चन को देख के आप डरोगे नहीं, आप सीधे समझोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा देखो एक्स की वैल्यू ये दी हुई है और जैसे यहाँ अंडर रूट एक्स रखा हुआ है तो मैं यहाँ से अंडर रूट एक्स तो निकाल ही सकता हूँ। तो छोटे छोटे क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, ठीक है ना, मतलब सीधे आप वो नहीं कर सकते ना कि सीधे जाया गए और बड़े उस पर अटैक कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते यार, आपको छोटे छोटे टूल्स छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तब जाके बड़ा क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्ट्रेट लाइन, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेना है, ऐसे करके कुछ दिया हुआ, ये ओरिजिन होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, और इधर क्या होता है ये भी वाई एक्सिस होता है लेकिन ये नेगेटिव। तो अब आप देख लो कि ये कहाँ पे आएंगे पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है माइनस वन जीरो, यानी कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स माइनस की तरफ यानी इधर, यहाँ पे कहीं है सपोज ये माइनस हो गया, और जीरो यहीं पे हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जीरो रूट थ्री, जीरो रूट थ्री का मतलब ये वाई एक्सिस पे होगा और वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं होगा, तो जीरो रूट थ्री, रूट थ्री क्या होता है 1.7 समथिंग होता है, तो यानी कि ये वन से ऊपर यहाँ पर कहीं आया, जीरो कॉमा अंडर रूट थ्री, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 1.0, तो 1 यानी एक्स प्लस का 1 और वाई एक्सिस 0, इन तीनों को जोड़ने वाली लाइन क्या है, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो ऐसे, सॉरी इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ते हो ये, तो अब आपकी ये जो चीज निकल के आई ये प्लस ये और ये फिगर क्या बन गई ये बतानी है। देखो आपको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए सीधे कि ये जो साइड है, ये पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक ये वन है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक वन है, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये राइट एंगल है, अब यहाँ ध्यान से देखो, देखो ये चीज वन हो गई, ये चीज हो गई अंडर रूट थ्री, इस ट्रायंगल में भी ये चीज वन हो गई, ये चीज हो गई अंडर रूट थ्री। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली चीज निकल जाएगी, ये वाली चीज क्या आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या आया वन प्लस थ्री का अंडर रूट, यानी फोर का अंडर रूट, यानी कि टू। तो ये चीज क्या हो गई, टू। जब ये चीज टू है तो ये चीज भी टू ही होगी, ठीक है, क्यों टू होगी, क्योंकि यहां भी तो यही है ना, अंडर रूट थ्री है ये वन है, अब ये टू है ये टू है, ये पूरा देखो ये साइड कितनी है, ये पूरी साइड हो गई वन प्लस वन टू,
नीचे वन है, इधर भी वन है, वन प्लस वन टू, तो एक ट्राइंगल हो गया जिसकी ये साइड भी टू है, ये साइड भी टू है, ये साइड भी टू है, ऐसा ट्राइंगल क्या क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, सारी साइड उसकी सेम है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई, या पाइथागोरस थ्योरम भी आ गई, और आपकी ट्राइंगल की नॉलेज भी आ गई, एक सवाल में कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए, ठीक है। तो 15 सवाल में या 20 सवाल में जब उसको आपसे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पूछने हैं, तो ऐसे सवाल जरूर आएंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के क्वेश्चन हमेशा से फेवरेट रहे हैं टैलेंट एक्स के, ठीक है। इन फोर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इस लाइन से आपको ये समझ आ रहा है कि फोर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, सपोज ए बी सी डी हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ए सबसे छोटा है, उससे बड़ा बी है, सी उससे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री, अच्छा प्राइम नंबर सबको पता होगा, जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री इज 385, यानी ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, कितना 385। एंड द लास्ट थ्री, लास्ट थ्री का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि बी इंटू सी इंटू डी, कितना दिया हुआ है 1001। क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर इज, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, डी, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में माना है, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखो बी से बी गया, सी से सी गया, बचा क्या, ए अपॉन डी, यहाँ पे क्या बचा, देखो ऐसा जो नंबर होता है ना 1001, इस तरह का नंबर 13 से डिवाइड हो जाता है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 5/30। अब चूंकि ये प्राइम नंबर है तो आप दोनों साइड कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 30, सॉरी बी नहीं है ये डी है, ए अपॉन डी, ए के साथ में बी का वो बना हुआ है ना कि ए के बाद बी ही बोल रहा है, तो ए और डी, भाई बी तो यहाँ कैंसिल हो गया ना, ए अपॉन डी, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 13, डी आपने सबसे बड़ा प्राइम नंबर माना था, कौन सी वैल्यू आ गई 13 इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे पूछता सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो आप बोल देते ए इज इक्वल्स टू 5, सबसे छोटा प्राइम नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि अगर आपने नहीं पढ़ाया तो कंफ्यूज हो जाओगे, रेक्टेंगुलर पिरामिड है लेकिन ट्रायंगुलर फेसेस पूछ रहा है, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी शेप है पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड की, जिसका जो बेस है, ऐसे जो बेस होगा अगर पिरामिड रखा है आपके सामने तो वो तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन बाकी सारी साइड्स के ऊपर ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कुछ फिगर सही बना पाऊँ तो इस तरह से ये जाएगा ऐसे प्लस ऐसे, और फिर यहाँ से भी एक ट्रायंगल आएगा, अब आई डोंट नो मैं ये फिगर, हाँ शायद देखने में तो कुछ कुछ लग रही है ठीक से ना, तो ये अगर आप समझो 3D फिगर है, ठीक है ना, एक पिरामिड रखा हुआ है आपके सामने जिसका कि बेस तो रेक्टेंगुलर है, इस लाइन को अगर मैं लाइट कर दूं तो शायद आपको कहानी ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए, इसको तो यहाँ मिला दिया ये ऐसा, ठीक है, तो शायद कुछ कुछ मैं सही बना पा रहा हूँ, इसमें बहुत सीधी लाइन तो मैं नहीं खींच पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक ट्रायंगुलर फेस इसका ये हो गया, एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ही बैक साइड में, तो कितने ट्रायंगुलर फेस हो गए, 4। इसका जो बेस होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होता है, उसका जो बेस होता है जिस पे वो बैठता है, या अगर आप इसको टेबल पे रखते हो उठा के, तो जिस जो पार्ट टेबल पे रहेगा वो पार्ट होगा रेक्टेंगुलर, बाकी इसमें 4 फेस क्या रहेंगे, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पिरामिड कितने हो गए, 4। एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 3, एंड जेड इज इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2xz। अब इसमें बेसिकली क्या है, देखो आपसे पूछा तो क्या जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस ट्वाइस वाई जेड प्लस ट्वाइस जेड एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस भी आ रहा है, ठीक है, तो हमें इन तीनों में से कोई एक चीज माइनस लेनी है, वो कौन सी लेनी है, कैसे पता चलेगा भाई, देखो एक्स वाई जेड में कोई भी माइनस हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आएगा, स्क्वायर होते ही इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का साइन कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहां देखो 2xy के साथ है माइनस का साइन, और 2zx के साथ है, ये वाली तो कहानी प्लस में है, 2xy और 2zx में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, यानी कि x ही माइनस का होगा,
तो ये बेसिकली ऐसे है, ये है y प्लस जेड और माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। आप इसको ओपन करके देख लो, जहां जहां एक्स आएगा वहां नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो y दिया हुआ है आपको 5, ओ सॉरी 3, z दिया हुआ है 2 और x दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर। ये तो कहानी जीरो हो गई, जीरो का स्क्वायर जीरो, कहानी में आ गया ट्विस्ट, मिला क्या b इक्वल्स टू जीरो। इतना लंबा सॉल्व किया, ऑप्शन क्या आया, जीरो, ठीक है, एंड दैट्स लाइफ। सेवंथ, द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 1:2:3:5:9, द स्मॉलेस्ट एंगल इज। कोई भी जो पॉलीगन है, ये एंगल किसके बात हो रही है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तो सब क्या होते हैं, 360 डिग्री होता है किसी भी पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के क्या होते हैं, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस ये भी जो पॉलीगन के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल वाले क्वेश्चन है, ये भी टैलेंट एक्स के फेवरेट है, हर साल किसी ना किसी क्लास में टकराता ही है ये वाला क्वेश्चन। तो एन माइनस टू इंटू 180 हो गया, एन नंबर ऑफ साइड है किसी भी पॉलीगन का, आपको पेंटागन दिया है, पेंटागन की साइड 5 होती है, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। हेक्सागन दिया होता तो हेक्सागन की साइड 6 होती है, 6 माइनस 2 कर देते, तो कितना गया, 18 3 54, 540 डिग्री आ गया, ठीक है। तो सपोज इसके एंगल रेशियो में दिए हुए हैं, तो सपोज इसका एंगल है एक्स 2x 3x 5x और 9x। अगर ये सारे इसके एंगल है तो इनका सम क्या हो जाएगा, ये सारे क्यों मान लिए, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ था, 1 की जगह x लिख लिया, 2 की जगह 2x, 3 की जगह 3x, 5 की जगह 5x, 9 की जगह 9x, तो इन सब का सम कितना है, 540 डिग्री, ठीक है। और आपसे स्मॉलेस्ट एंगल पूछा जा रहा है, यानी कि x की ही वैल्यू पूछी जा रही है, क्योंकि 1 के रेशियो में है, तो यहां से जोड़ लो इनको, 5 3 8 2 10 9 1 10, 20x इज इक्वल्स टू 540, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये तो गया 54, किसका ट्वाइस होता है, ट्वेंटी सेवन, तो एक्स इज इक्वल्स टू 27 डिग्री। ऑप्शन में यहां लिखना भूल गया, इसका आंसर आएगा 27, ठीक है। तो ये मैंने 7 क्वेश्चन लिए, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना भी मुश्किल होता है, मैं आपको कहीं से भी उठा के फालतू के क्वेश्चन करा दूं तो उससे कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने सोचा वही क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम में आए हैं और उस तरह के क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आप कितने सॉल्व कर पाए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी मैं कोशिश करूंगा कि टैलेंट एक्स से पहले कुछ इस तरह के वीडियोज लेके आऊँ आपके लिए। ऑल द बेस्ट।